इनका कहना है एफिडेविट में आरटीओ साहब का कि टैक्स रिकवरी तो हम करते रहेंगे लेकिन परमिट भी देंगे। और आपके आरटीओ साहब को तो बुलवा लीजिएगा उनका, ठीक है, उनको बुलवा लीजिएगा, उनसे समझ लेंगे कि वो कैसे इस तरीके का गैर कानूनी रिप्लाई दे सकते हैं। विल नॉट परमिट एनी हैंकी पैंकी इन द नेम ऑफ दिस, वी नो दैट हाउ दिस स्कीम इज। बस हमारी है, फेयर हमारे पास आता है। हाँ ठीक है, फेयर प्राइवेट बस ऑपरेटर को नहीं जाता। अरे भाई फ्रायर, ये सब आर्ग्यूमेंट मत करिए, जो बेसिक है उतना मुझे दिखा दीजिए। एक अच्छे वकील का ये भी काम होता है कि वो धैर्य बना के रखे। हम लोग जो हैं प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, हम ABCD से चालू करते हैं। वी कैन नॉट रन लाइक यू, वी आर नॉट सो एडवांस। ये गलत है। अरे ठीक है, SPV इज नॉट ऑफ द कॉर्पोरेट। अरे इट इज अ लिमिटेड कंपनी, नगर निगम के लिमिट्स में की आड़ में ये स्टेज कैरेज जैसे चला रहे हैं। जो रिलेवेंट है उतना ही बताइए। ऑब्जेक्शन भी छोड़ भी दे तो अभी, क्योंकि हम थीसिस नहीं लिखना चाहते पर बताएंगे। ये परमिट SPV का कहाँ है, आपका एग्रीमेंट बताइएगा जरा थोड़ा सा। यस बताइएगा, कहाँ है आपका JNRUM की पॉलिसी? JNRUM आई हैव फाइल्ड नॉट टुडे, टुडे स्टेट हैज आल्सो फाइल्ड समथिंग, ही आल्सो फाइल्ड वन रिप्लाई। क्या कहा आपने सर? रिप्लाई मैंने नहीं दिया है अभी अभी, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट दे आर फाइलिंग, प्रोबेबली मैनर्स। आपने भी रिप्लाई सुबह फाइल किया होगा। इनका एफिडेविट है, इनका कहना है एफिडेविट में आरटीओ साहब का कि टैक्स रिकवरी तो हम करते रहेंगे लेकिन परमिट भी देंगे। टैक्स रिकवरी जो है डिस्प्यूटेड टैक्स रिकवरी है वो हम करते रहेंगे और अलग से टैक्स रिकवरी भी करेंगे, परमिट भी जारी रहेंगे। किसका परमिट जारी रहेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट। कॉर्पोरेशन तो कॉर्पोरेशन, पहले बेसिक इशू बता दीजिए आप तो हमें, ये कहाँ है JNRUM में स्कीम में, कहाँ प्रावधान है कि ये आप म्युनिसिपल लिमिट के बाहर चला पाएंगे? ऐसा इन शब्दों में तो कहीं नहीं है, तो फिर आपका कोई केस नहीं है। मेरा मेरा आग्रह सर सुन ले कि अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी में, यू विल हैव टू शो दैट यू हैव बीन परमिटेड टू ड्राइव लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस बियॉन्ड द सिटी लिमिट। दैट इज व्हाट ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग माय नोट्स वर, एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट। विल नॉट परमिट एनी हैंकी पैंकी इन द नेम ऑफ दिस, we know that how this scheme is being implemented and what all is happening. kisi individual ko koi benefit, individual ko hi benefit hai, ye aap niyam ka kaise flout kar rahe hain? you are giving benefit to a set of persons who are supposed to ply their buses within the municipal area. usi par bas ek baat bata lo, bus hamari hai, फेयर हमारे पास आता है। हाँ ठीक है, फेयर प्राइवेट बस ऑपरेटर को नहीं जाता। अरे भाई फ्रायर, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ठीक है, ही इज नॉट गेटिंग कोई पैसा, नहीं वॉलंटरी सर्विस कर रहा है क्या? वॉलंटरी नहीं, लेकिन वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए बस पैसा मिल रहा है। ठीक है, इट्स नॉट दैट बाय ऑपरेटिंग इट आउटसाइड द सिटी ही इज एबल टू अर्न समथिंग। व्हाई शुड वी परमिट यू टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी व्हिच इज नॉट योर? वी आर नॉट अर्निंग लॉट, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग, देयरफॉर वी हैव केप्ट द फेयर्स एट अ वेरी लो लेवल, वी आर नॉट, सो दैट द पब्लिक। ये सब आर्ग्यूमेंट मत करिए, जो बेसिक है उतना मुझे दिखा दीजिए। इफ यू सक्सीड यू गेट देयर पिटीशन विल बी डिसमिस। तीन इश्यूज हैं, तीनों स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि JNRUM की पॉलिसी में कहाँ प्रावधान है कि आप लोकल लिमिट्स के म्यूनिसपैलिटी के बाहर बस चलाने के लिए, और आपके आरटीओ साहब को तो बुलवा लीजिएगा उनका, ठीक है, उनको बुलवा लीजिएगा, उनसे समझ लेंगे कि वो कैसे इस तरीके का गैर कानूनी रिप्लाई दे सकते हैं। नहीं नहीं, इन्होंने जो रिप्लाई बोला वो लिखा नहीं है उसमें। अच्छा, इन्होंने तो अपने शब्दों में पढ़ के बोल दिया सर। मैं दो चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। एक बार पहले इम्प्यूट ऑर्डर देखते हैं सर, एक मिनट बताइएगा। प्रदेश के 16 नगर पालिका निगमों में निवासरत आम नागरिकों, विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों तथा शासकीय व प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु नगर पालिका निगम के अधीनस्थ परिवहन कंपनी ट्रांसपोर्ट SPV द्वारा संचालित सिटी बसों को जनहित में नगर पालिका निगमों की सीमा से लगे 25 किलोमीटर की परिधि में संचालन की अनुमति प्रदान। किस प्रावधान में दी गई, इतना बता दीजिए। वही बताना चाह रहा हूं सर, the intent of the state government is only to help few class of people for allowing these SPV. You are so helping, you are borrowing money from, we understand your helping attitude. That's what, नहीं नहीं, but कानून का प्रावधान बताइए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर। सर, there are three kind of routes which are there, my lords. One is the city routes. Which routes? City routes, my lords. City routes. Within the municipal corporation, my lords. Now the charges or the taxes which state government gets, my lord, is 30 rupees per seat. We are not interested in your economics. No, I am only interested in the proprietary.
प्लीज डोंट गिव मी द इकोनॉमिक्स. यू मे बी रनिंग इट एट लॉस, यू मे बी डूइंग इट चैरिटी फ्री ऑफ कॉस्ट. द इशू इज दैट हाउ कैन यू एक्सटेंड द बाउंड्रीज अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ. बस गिव मी द प्रोविजन ऑफ लॉ. सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर, बस दो मिनट में. सो वन इज द सिटी लिमिट्स सर, सिटी रूट्स, द अदर इज द एडजेसेंट रूट जो ये है सर, जो सिटी कॉर्पोरेशन के बाहर परिधि में, थर्ड इज द कॉमन रूट. जी तीन रूट्स लिख लेते हैं, सिटी रूट जी, एडजेसेंट रूट एंड वन इज द कॉमन और द जनरल रूट, और थर्ड इज कॉमन और जनरल रूट. कहां डिफाइंड है ये कॉमन ऑब्लिक जनरल रूट सर? डिफाइंड नहीं, नहीं आ रहे. आप जो भी बहस करेंगे, शासन की ओर से खड़े हैं आप. जी जो भी बहस करेंगे, यू विल हैव टू शो मी द एनालॉगस प्रोविजन. शो मी द एनालॉगस प्रोविजन वेयर दे आर डिफाइंड. सर एक मिनट, धारा 72 देख लें. हां धारा 72 पढ़ें, मतलब रूट सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 में. रुक जाइए भाई, उनको बताने दीजिए, जब आपका मौका आएगा तब आप बताइएगा. एक अच्छे वकील का यह भी काम होता है कि वो धैर्य बना के रखे. पढ़िएगा 72 पढ़िएगा सर. ग्रांट ऑफ स्टेज कैरिज परमिट subject to the provisions of section 71, a regional transport authority may on an application made to it under section 70 grant a stage carriage permit in accordance with the application or with such modifications as it deems fit or refuse to grant such a permit. Ji what is the stage carriage permit, where it is defined? Stage carriage permit, stage carriage would be ji padhiyega kya likha hai. Stage carriage means a motor vehicle constructed or adopted to carry more than 6 passengers excluding the driver for hire or reward at a separate fares paid by or for the individual passengers either for the whole journey or for the stages of the journey. ji theek hai. now my lord, section 277 within 40 deals with stage carriage section 70 also is there, application for stage carriage. ha theek hai, application ho gayi, permit to aap 72 mein hi dete hai na. जी प्रोविजन से चालू है सर. जी क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, स्टेज कैरिज परमिट की? सर एन एप्लीकेशन फॉर अ परमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टेज कैरिज और एज अ रिजर्व स्टेज कैरिज शैल एज फार एज मे बी कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली द रूट्स ऑफ द रूट्स. कहां पढ़ रहे हैं आप सर? सेक्शन 70 72 द सब्जेक्ट टू द रूट सर. हैं 70 सर एप्लीकेशन उसमें देते हैं. हां जी 70 जी. सर मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा. मैंने इम्प्यून्ड ऑर्डर पढ़ा था. व्हेन वी पास द इम्प्यून्ड ऑर्डर वी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग. नाउ एज़ फार द स्टेट इज कंसर्न्ड माय लॉर्ड, बिकॉज़ स्टेट वुड बी चार्जिंग टैक्सेस, दो आई वुड प्रे माय लॉर्ड्स इकोनॉमिक्स एक मिनट के लिए बस सुन लिया. वी इनिशियली चार्ज 30 रुपीज क्योंकि सिटी लिमिट्स में 30 रुपीज है शेड्यूल कराधान अधिनियम के. इवेंचुअली एडजेसेंट रूट्स में क्योंकि ये चला रहे थे वी इमीडिएटली इशूड नोटिस. मैंने रिप्लाई में भी लगाया है सर, उसको रिप्लाई में पूरा फाइल किया था. वो तो बाद में आएगा. आप बहुत आगे चले गए, यू आर वेरी प्रोग्रेसिव. वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ऑर्डर कानून के किस प्रावधान में जारी किया गया है, पहले वहां से शुरू करिए. हम लोग जो हैं प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, हम ABCD से चालू करते हैं. वी कैन नॉट रन लाइक यू, वी आर नॉट सो एडवांस. आप हमें पहले बता दीजिए किस किस प्रावधान में आपने ये P2 का आदेश जारी किया है, प्रावधान दिखाइए, उस प्रावधान से फिर आगे बढ़ते हैं. आपकी इकोनॉमिक्स पे आएंगे उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब समझेंगे, उसमें क्या कुछ चिंता करते हैं आप. सर एक जो उद्धारणा बनाई गई है कि दिस इज, उद्धारणा छोड़ दीजिए, इसलिए कि ये SPV कॉर्पोरेशन का है ये गलत है. अरे ठीक है, SPV इज नॉट ऑफ द कॉर्पोरेशन. अरे इट इज अ लिमिटेड कंपनी. इट इज यस, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर. यस यस यस, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, नॉट द कॉर्पोरेशन. हां हां ठीक है. So restricting the SPV only to the corporation limits may not be proper. ठीक है, चलिए SPV के लिए प्रावधान बता दीजिए. मतलब SPV has started from JNNURM. I filed a copy. हाँ ठीक है, एक-एक करके चलिए. पहले या तो आपको पहले बोलना है तो आप पहले आप बता दीजिए. या ऐसा करते हैं सीक्वेंस में सुनते हैं, पहले पिटिशनर को सुनते हैं फिर आप लोग बताइए एक-एक करके क्या कहना है आप लोगों को. या आप पहले बताना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, वो पिटिशनर जवाब दे देगा. पिटिशनर बताते हैं सर, पिटिशनर का तो पॉइंट इतना सा ही है. चलिए अब आप बताइए, आपसे शुरू करते हैं. आई एम चैलेंजिंग ऑर्डर डेटेड 31/5/2022. यस दैट इज लर्नड एंड रीड. सो फर्स्ट सबमिशन इज माय, दिस इज विदाउट प्रोविजन ऑफ लॉ. एज पर मतलब प्रोविजन ऑफ मोटर्स व्हीकल एक्ट 1988 दिस ऑर्डर हैज बीन पास ओनली फैसिलिटिंग टू द प्राइवेट बस ऑपरेटर्स. This order has been passed. As per my submission, as per section 67 of the Motors Vehicle Act. एक सेकंड.
सेक्शन 68 67 मालोट 67 पढ़िएगा क्या है मालोट सेक्शन 67 सेज पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट अ स्टेट गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू A state government having regard to the advantages offered to the public, trade and industry by the development of motor transport, a disability of coordinating road and rail transport, the disability of preventing the deterioration of the road transport system, and the disability of preventing uneconomic competition among holders of permit. कहाँ पढ़ रहे हैं आप? Economic कहाँ? Section 67 मालूम. 67 ही तो पढ़ रहे हैं जी desirability of coordinating road and rail transport desirability of preventing the deterioration of the road system yes. system thereafter ABCD promoting, promoting effective competition among the transport service providers उसके बाद पढ़ना जा रहा हूँ may from time to time by notification in the official gazette issue direction both to the state transport authority and the regional transport authority regarding the passengers convenience economic competitive fare prevention of overcrowding of the road safety so जी. there is no such notification in the section 67 in the official gazette this impugned order now in the garb of this impugned order जी. the municipal corporation jabalpur applied for grant of temporary permit under section 87(1)(c) of the motors vehicle act 87(1)(c) dekhi Where is that application? So in my petition, there is already on record all the application which they submitted. That is undisputed. Page number? It's in their petition. Mein nahi, matlab, mere petition mein lagi hui sari application. WP5103 mein. Sabse last petition hai. Isi ko base banate hain, chaliye. Ji. P3, page 15. Haan. This is a vague application, what I say. So kisne lagai hai application? Isme dekhiye, Ma Associates likha top mein. Haan. He is a private respondent plying the vehicle under the garb of municipal corporation. कहाँ लिखा है इसमें इसमें अभी ऑर्डर में आएगा मालोड इसमें ये ऐसे एप्लीकेशन इन्होंने पुट अप की है जो अभी ये बोले थे नगर निगम सब कुछ होल्ड किया हुआ है ऐसा नहीं है इसमें प्राइवेट रेस्पोंडेंट मा शारदा एसोसिएट्स टॉप में लिखा हुआ P3 पेज 50 में वेग एप्लीकेशन है नो प्रोविजंस ऑफ लॉ इज मेंशनड जी पर्पस ऑफ परमिट ब्लैंक जी देयर आफ्टर जो पूरी चारों सब सारी एप्लीकेशन है लगाई है मैंने फिर P4 पेज 19 में फर्स्ट ऑर्डर पास होता है बाय द RTO जी बताइएगा इसमें आप टॉप में देखेंगे मां शारदा मां एसोसिएट्स एंड ट्रांसपोर्ट जबलपुर सो एंड सो व्हीकल सो एंड सो प्रतिनिधि आवेदक द्वारा सो एंड सो अपितरता कोई नहीं मार देखिए आप रेलवे स्टेशन टू बर्गी डैम वाया सो एंड सो सो एंड सो जी सो अगर इसको अपन कंसीडर करते हैं मालोड तो दिस इज फॉर द नगर निगम लिमिट्स क्योंकि बर्गी रेलवे स्टेशन से तो कोई बस नहीं चल सकती नोटिफाइड बस स्टैंड से ही चलती है ISBT बस स्टैंड से तो इन्होंने लगाया 87(1)(c) में एप्लीकेशन एज अ स्टेज कैरेज परमिट जारी हो रहा है इनको एज अ म्यूनसिपल लिमिट्स वाला फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू बर्गी वाया सो एंड सो जी तो हियर कन्फ्लिक्ट हो गया मान लो 87 में तो मिल ही नहीं सकता इनको क्योंकि नगर निगम की परमिट है इनके जी धीरे धीरे चलिए जी आपको तो क्या है मुंह जमानी रहा है क्या सारे प्रोविजंस नहीं ये मैं आपको रूट में पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये एज अ नगर निगम की लिमिट्स में की आड़ में ये स्टेज कैरेज जैसे चला रहे हैं P4 जो है ये ग्रांट ऑर्डर हो गया इनका टेम्पररी परमिट्स का In the name of private operators. Private bus operators. ये पूरे जजमेंट लगा पूरे लगे और इसमें इसमें कुछ कुछ परमिट्स में मान लो नगर निगम के नाम पे भी है वो पेज 21 में मिलेगा आपको पेज 21 दिखाइए जबलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम जबलपुर नाउ मान लो मैं कम टू पेज 23 P5 जी दिस इज अ टेम्पररी परमिट इशूड इन द फेवर ऑफ द मा एसोसिएट्स एंड ट्रांसपोर्टर हु इज द प्राइवेट रेस्पोंडेंट हु इज द प्राइवेट बस ऑपरेटर जी P5 पेज नंबर 23 हाँ. अब इसमें मान लो नीचे देखेंगे आप इसमें बॉटम में कर की स्थिति लिखा हुआ है टैक्स पेड थ्रू चलान 3420 दैट कम्स टू 6840 रुपए 6840 जी अब ये इन्होंने टैक्स पेड किया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चार महीने का एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर सीट जी परमिट ग्रांट हो रहा है एज पर शेड्यूल ऑफ हायर रेट्स ऑफ 1 रुपीज 150 पर सीट बिकॉज स्टेज कैरेज है अब यहाँ ये 30 रुपीज पर सीट पे कर रहा है चार महीने का 6840 रुपए टैक्स प्राइवेट बस स्टेज कैरेज का परमिट है जी चलिए फिर मान लो एक सेकंड रुक जाइए जी पेज 23 जी Now, for mind, even we assume for a sake of arguments that the impugned order 31/5/2022 is in the public interest and they have got a relief of 25 kilometer. That is also incorrect, my lord. I have filed annexure P6 right from annexure P6 page 27. All the distance certificates. In distance certificates in P6 and P7.
पेज नंबर सत्ताईस में भी 28 में किस्तों में रूट फॉर्मुलेट हुआ है। अगर इसको अपन म्युनिसिपल लिमिट्स में भी करते हैं तो ये म्युनिसिपल लिमिट से भी बाहर जा रहा है, 25 किलोमीटर से बाहर, मोर देन 32 किलोमीटर इनका रन, इनका जो परमिट जारी हुआ है मोर देन 32.3 किलोमीटर से। इसकी ऑब्जेक्शन हमने ऑलरेडी लगाया हुआ था, दैट इज नॉट रिलेवेंट। सब्सिक्वेंट लैंडलॉर्ड नाउ जो रिलेवेंट है उतना ही बताइए, ऑब्जेक्शन के छोड़ भी दिया तो अभी, क्योंकि हम थीसिस नहीं लिखना चाहते। एज ऑन डेट, एज ऑन डेट आल्सो इवन वी अज्यूम दैट द 31/5/2023 इज acceptable, now still they are applying excess there of 42. Why it is acceptable? They are required to show that. The second round. But the second round नहीं होता है. My lord, my lord, last ground, my P11 में जरूर देख ले, my lord. Next P11 और देख ले, last. This is my last ground. This is a notice issued by the competent taxation authority, RTO Jabalpur. P11 page 44. इसमें इस प्रेजेंट देयर आर डिस्प्यूट ऑफ 4 परमिट्स ऑफ दिस रूट्स व्हिच इज ग्रांटेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और से एग्रीमेंट विद द प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स। इन्हीं चारों गाड़ियों पे जिसपे लगातार परमिट, टेम्परेरी परमिट जारी हो रहे हैं 87(1)(c) में, जब हमने ऑब्जेक्शन लिया तो इन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिए, टैक्सेशन के नोटिस दे दिए कि आप 68,40 आप पॉइंटेड आउट कि 68,40 रुपये प्रति आप प्रति तिमाही जमा कर रहे हैं, कि तिमाही भी नहीं, चार महीने का है, लेकिन आपको हायर रेट से 200 रुपये प्रति सीट प्रति माह होता है सेक्शन उपधारा 3(ख) के तहत। P11 पेज 44 में क्लियर है। अब ये जब शो कॉज नोटिस इनको सारी गाड़ियों के जारी हो गए और एज ऑन डेट तक इनके टैक्स पेनल्टी बढ़ते जा रही है, ऑन वन हैंड आरटीओ इज इशूइंग टेम्पररी परमिट कंटिन्यूअसली, ऑन अदर हैंड इशूइंग नोटिसेस अंडर सेक्शन, वो प्रोविजन बताइए कि जब ड्यूज रहेंगे तो परमिट कैन नॉट बी रिन्यूड, दैट इज रूल 72 मान लो, क्योंकि जब परमिट ग्रांट होता है तो उनको रूल 72 में नो ड्यू सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। रूल 72 दीजिएगा मध्य प्रदेश मोटर का अधिनियम का सब रूल 3 मान लो। और एक सेकंड भाई, सब लोग आप लोग तो इसके एक्सपर्ट हैं भाई, हम लोग नहीं है एक्सपर्ट। रूल 72 सब रूल 3, हां 72 पढ़ने दीजिए जरा, रूल 3 बोल रहे हैं, रूल 72 ऑफ एमपी मोटर व्हीकल रूल 1994, नो ड्यू सर्टिफिकेट डी चाहिए, मान लो डी 72(3)(d), नो ड्यू सर्टिफिकेट इशूड बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कंसर्न्ड। 72(3), रिन्यूअल का कहां पर है एनेक्सर, इनका रिन्यूअल कर रहे हैं, कंटिन्यू टीपी जारी होते, रिन्यूअल नहीं होते, वो एप्लीकेशन दोनों रिकॉर्ड में मान लो। पहली एप्लीकेशन जो मैंने भी पॉइंट आउट की थी P3 में, जो इसके परमिट इनके जारी हुए P3 से एप्लीकेशन है, P4 ग्रांट ऑर्डर है, उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्शन के बाद उसके बाद फिर इनको परमिट जारी हुए कंटिन्यूएशन में, वो पेज नंबर P10 पेज 36 से चालू है, ठीक है। एज ऑन डेट ऑल्सो देयर आर नंबर ऑफ परमिट आर वैलिड, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई, ये तो इसी में अथॉरिटी में मतलब आई हैव रिलाइंग डिवीजन बेंच जजमेंट माय लॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स, दिस इज एमपीएलजे 2014 वॉल्यूम 3 पेज 286, एमपीएलजे 2014 वॉल्यूम 3 देखिए, ये रूल 72(3) मैंने पढ़ा, उसी का इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, उसमें इवन दूसरों के नाम पे भी टैक्स बाकी है, फैमिली वाले तो भी ही इज नॉट लायबल टू, ही इज नॉट, तो कई बार आप दोनों बहस कर चुके हैं, ये वही जजमेंट है उसका। अब सिर्फ लास्ट है इनका जो भी इन्होंने पास आउट किए रोहित शर्मा, रोहित जैन जी ने आई ए इनकी जो एफिडेविट किया है, एफिडेविट जो फाइल किया है जी, इनका एफिडेविट देखने जी, जो मैं अभी स्टार्टिंग में बोला था मैंने लॉर्ड्स, इसको पैरा 6 में देखें, पैरा 6, इट इज हम्बली सबमिटेड दैट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द रिस्पोंडेंट इंप्यून्ड हियरइन द सिटी बस ऑपरेटर हैव थस बीन इशूड द नोटिस ऑफ रिकवरी एंड थस द सिटी बस ऑपरेटर SPV आर आल्सो अलाउड टू रन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज वायलेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ दिस हाई कोर्ट एज वेल एज द प्रोविजंस कंटेंड इन रूल 72, और ये एडमिशन कर रहे हैं, और मान लो इस पे एक लेटर लगाया इन्होंने, एक सेकंड रुक जाइए जी, मान लो इसी में जो एफिडेविट पेश हुआ आरटीओ साहब का, उसी में नेक्स्ट AR1 पेश किया उन्होंने पेज नंबर 5 में 22 नो का जी, 20 तारीख को मान लो ने ऑर्डर ऑर्डर पास किया था सब केसों में, स्पेसिफिक एफिडेविट एक दिन में दीजिए और इनको एडिशनल डॉक्यूमेंट पेश करने थे कि अंडर व्हाट प्रोविजन 25 मिनट ज्यादा छूट में, उसमें इन्होंने ये बेस बनाया ये लेटर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का 22 नो को जस्ट आफ्टर दैट जी जी बताइए। अब इसमें देखेंगे आप डेट देखेंगे ऊपर टॉप संदर्भ मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल का आदेश दिनांक 31/5/23 अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश मोटर यान करके संबंध में, और उसका ऊपर नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए
इनकी आई एफ आजा जो अभी अंशुमन सिंह जी ने जो पेश की है, सिर्फ उसमें लास्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उन्होंने इसमें जो परमिट्स पेश किए हैं ये सब्जेक्ट मैटर में लॉट्स आया, वी हैव चैलेंज ओनली 4 परमिट ऑफ द रूट जबलपुर टू बरगी बिकॉज़ वी आर डायरेक्टली अफेक्टेड, वी आर मोर देन 6 8 इन नंबर्स, ऑल दे आर ईटिंग आवर प्रॉफिट्स एंड ऑल बसेस आर नाउ कैन नॉट बी प्लाइड बिकॉज ऑफ इलीगल ऑपरेशन। दिस इज इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं A14 में जो उन्होंने अभी आज पेश किया है, A14 में इनके जो आई आज पेश हुई है, इसमें सिर्फ एक ही चीज पॉइंट आउट कर रहा हूं लॉट, जो उनके उन्होंने जो परमिट्स लगाए हैं इसमें पेज नंबर 25 से, ये दूसरे दूसरे रूट के हैं सब 87(1)(c) में देखेंगे आप, A14 पेज 25 में सब 87(1)(c) से 1(c) में जा रही है अलग अलग रूट, A14 पेज 25 सेंटर में आइटम नंबर 6 में पर्पस फॉर जर्नी 87(1)(c) टेम्परेरी नीड गाना टू सो एंड सो। अब ये पूरा आप देखेंगे नंबर्स में, दिस जितने भी परमिट्स हैं मोर देन 20-25 परमिट्स विच इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पिटीशन, बट आई एम ओनली पॉइंटिंग आउट सेइंग दैट दिस 4 परमिट इज इलीगल एंड हेंस दिस परमिट व्हिच माय लैंड फॉर लैंडेड फ्रेंड देयर इज नो परमिट में आपका नहीं, इसमें अतुल प्राइवेट नाम पे है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एसपीवी के नाम से परमिट कहां है, अतुल कुमार जैन एसपीवी के नाम से परमिट कहां है, वी आर आल्सो बस ऑपरेटर, दे आर आल्सो बस ऑपरेटर, हां दे आर ब्लू आइड बॉयज, यू आर नॉट, इनको पूरा छूट मिली हुई है जी। सारे परमिट इन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया, देख लिया जी, पर बताएंगे ये परमिट एसपीवी का कहां है, आपका एग्रीमेंट बताइएगा जरा थोड़ा सा, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहां है एसपीवी का, पेज नंबर देन आर्टिकल्स माय लॉर्ड में है पेज 115 में लॉर्ड, हु आर द डायरेक्टर्स, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द डायरेक्टर्स, सो दैट हु इज कंट्रोलिंग द एसपीवी इज इंपॉर्टेंट, Therefore, I have to clarify this. Sanjay Dubey, when you, it should have been collector and at present, when you are... Because board of directors, there is a director number which is specifically assigned to an individual human person, not it has, it can't be by designation, and therefore that person, and in the subsequent boards, as and when the collector changes, the board passes a resolution to change. Achha, theek hai, chaliye. The collector, then mayor is the second director, then additional collector is the third director, then chairman JDA is the fourth ADM. And all other officers of the district administrator. Chairman JDA. जी, जी, फिर deputy now, Mr. Relation. एक सेकंड. Yes. CEO JDA. Yes. और फिर DM MPSRTC. जी, जी. So district administration के officers हैं, corporation का भी representation है, JDA का भी representation. इसमें इसके कौन से हैं? Municipal corporation का mayor है बस. Mayor municipal corporation के mayor. Mayor है. चलिए फिर. Now the SPV was initially created by lot under the scheme of the National Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, which pursuant to my lord's orders, my lord, I have filed today, my lord. My lord may just have this IA for taking additional documents on record. इस तरीके से देखना बहुत मुश्किल है. आप लोग पेपर बुक बनाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पेजिंग करके लगाइए. इस तरीके से यहाँ देखूं, वहां देखूं, उस पिटीशन को देखूं, उस पिटीशन को देखूं. आपको अगर रिस्पोंडेंट बनाया होता तो हम effectively reply दे पाते. It's only at the fag end when my lord were already hearing the matter in final hearing. जी जी. आपने तो intervention application लगाई थी. तब फिर मैंने. You were aware of this fact that you are required to be heard. उसके बाद फिर I filed when the corporation informed that such a matter is pending before my lords. जी. Which I am required. That means corporation was watching the proceedings from the sidelines. I can't say. अरे, I am saying. Corporation was defending at its own level. अरे भाई. How can corporation come to know that? There are so many cases listed every day. There are at least 17-18 judges sitting in the High Court. मैं तो सर बात कर रहा हूँ कि इनको मालूम है जबकि वो agreement मेरे साथ है और मैंने इनको permit किया. मेरी बात का जवाब देंगे भी आपकी बात सब निकल आएगी. ये जब SPV बन गई तो SPV तो एक corporate entity हो गई. Corporate entity. ठीक है. तो ये बस के permit जो है SPV की जगह जो है private operator के नाम से कैसे जारी हो रहे हैं? क्योंकि बस जब प्रोक्योर होती है तो 40% ग्रांट के साथ प्राइवेट ऑपरेटर अपने नाम से लेकर आता है या परमिट गवर्नमेंट ने बस नहीं नहीं बस लेकर आता ओनर ऑफ द बस इज द परमिट तो उसके बाद में एसपी ओनर के नाम पर जारी होगा. चलिए बताइए थोड़ा सा बताइए ओनर ऑफ द बस तो प्राइवेट ऑपरेटर एसपीवी के एम एंड ऑब्जेक्ट बताइएगा. नाउ मैं लॉर्ड में कम टू पेज 6 मिनट पेज 6 ऑफ A12. इस तरीके से करना बहुत मुश्किल होगा. इसकी पेपर बुक बनाइए. रिस्पोंडेंट स्टेट and the petitioner are directed to prepare a complete paper book. Readings complete है ना? उसके बाद तो कुछ नहीं कहना. सर,
अगर कुछ ऐसा लगेगा तो आप वैसे अभी तो हमारे हेल्प ठीक है पेपर बुक एंड सो दैट दिस केस कैन बी टेकन अप फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग नॉट कुड माय इंटरवेंशन बी अलाउड सो दैट आई कैन फॉर्मली बी हां हां इंटरवेंशन इज फॉर्मली अलाउड श्री एसपीवी बी इंक्लूडेड एज अ पार्टी नाम वाम बता दीजिएगा एसपीवी का लिखा हुआ है सर जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट हाँ जो भी है वो पार्टी बना लीजिएगा आप ठीक है ना नेक्स्ट रिस्पोंडेंट आरटीओ विल फाइल अनदर एफिडेविट टू पॉइंट आउट दैट देयर इज एन एडमिशन ऑफ हिज गिल्ट इन हिज एफिडेविट डेटेड 25 सितंबर 2023 एज इज मेंशन्ड इन पैरा 6 इन द फॉलोइंग टर्म्स ये पैरा 6 ऑफ द एफिडेविट ये दे रहा हूँ इसको अलग से ले लीजिएगा इसको कॉपी कर लीजिएगा टू द एक्सटेंट दैट ही इज वायलेटिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ रूल 72 विद इन ब्रैकेट 3 अनदर ब्रैकेट डी ऑफ मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल्स रूल्स 1994 विच प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरेज परमिट और रिजर्व्ड स्टेज कैरेज परमिट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन विद इन ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज ऑफ सेक्शन 70 शैल बी अकम्पनीड बाई द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज प्रोवाइडेड दैट इन क्लॉज इट इज प्रोवाइडेड इन क्लॉज डी दैट नो ड्यू सर्टिफिकेट इशूड बाई द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कंसर्न फुल स्टॉप Therefore, he is required to show that without no due certificate, how can he issue renewal of permits from time to time merely on the basis of anticipation of payment of tax? Full stop. Let affidavit be filed by the RTO and he shall remain personally present on the next date of hearing to answer queries of this court. Full stop. If affidavit is not filed, नहीं ऐसा करिएगा एफिडेविट आरटीओ का नहीं दैट एफिडेविट ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बी फाइल्ड इन दिस बिहाफ दैट हाउ कैन आरटीओ बी आरटीओ जबलपुर वायलेट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड फर्निश एन एफिडेविट आने दीजिए इनकी मैं बस एक निवेदन करना चाहता हूं सर हमने नोटिसेस दिए हैं ये इनकी प्लीडिंग है कि पेमेंट नहीं हुआ ठीक है देखेंगे आई नीड टू सी वो सब देख नहीं पेमेंट जमा हो गया है नहीं आपके एफिडेविट पर है ये बात सॉरी नहीं बस जमा हो गया होता तो आप लिखते स्पेसिफिकली कि जमा हो गया है इसलिए हम कर रहे हैं सॉरी चलिए लेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एफिडेविट फाइल करने दो लेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फाइल एफिडेविट ऑन द एफिडेविट दैट हाउ कैन आरटीओ जबलपुर वायलेट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वो 72(3) डी वाला ठीक है जो लिखा है था उसको चेंज कर देना लैंग्वेज में को रफ दिखा देना है एंड स्टेट एज अंडर इन हिज एफिडेविट फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट फुल स्टॉप इट इज मेड क्लियर दैट इफ एफिडेविट इज नॉट फाइल्ड बाय द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑन और बिफोर नेक्स्ट डेट ही शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट लिस्ट ऑन 5 अक्टूबर 2023 टॉप ऑफ द लिस्ट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज दैट ओनली ऑब्जर्व द विदाउट टेकिंग द टैक्स As an interim measure, it is directed that without clearance of the tax dues in toto, no further renewal will be permitted by the RTO. And if he does so, he will be making himself liable for the penal action and contempt of this court. This order be sent to entire cases because some cases released to the Bhopal and. सभी cases में लगा दीजिए. Sir, वो क्या आरटीओ जबलपुर आ रहा है हाँ तो आरटीओ जबलपुर ने तो आपका एफिडेविट तो आरटीओ जबलपुर का फाइल किया है नहीं इनका बोलना है दूसरी पिटीशंस में भोपाल के हैं और दूसरी जगह हम तो सिर्फ जबलपुर का लिख रहे हैं अभी जबलपुर ने एफिडेविट फाइल किया है सबने तो फाइल किया नहीं आरटीओ जबलपुर एंड ओआईसी ओआईसी ऑफ द केस ठीक है ना ये ऑर्डर सारे केसेस में होगा